Good morning, friends, and welcome to the second episode of Rising Star, presented by Mahindra Truck and Bus, a Trans India exclusive. Bombay has always been known as a city of dreams. While the name may have changed to Mumbai, the city still continues to be a place where people come to fulfill their dreams and aspirations. The city is known to build careers, and it's not just in Bollywood. But at the same time, this city puts you through the toughest times, and you have to be really resilient to become something and establish yourself in this city. The journey of a rising star completely resonates with the essence of Mumbai. He came to Mumbai to achieve something, and even though he has achieved a lot, he still feels he has a long way to go. His vision and sincerity, not just for himself, but for the industry on the whole, makes him our rising star in this exclusive series presented by Mahindra Truck and Bus. Trans India is delighted to feature Javed Sayed from CityLink Logistics in this episode of Rising Star, presented by Mahindra Truck and Bus, a Trans India exclusive. One of the unique characteristics of Javed is that while he has one eye on growing and expanding his business, he is equally focused on improving the lives of people around him, especially those working for him, including the truck drivers. So let's see the journey of Javed in the city of dreams in Mahindra Truck and Bus presents Rising Star, a Trans India exclusive, but on the other side of this very short break. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है, एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे। मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो, महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Mahindra Truck and Bus presents Rising Star, a Trans India exclusive. We are in conversation today with Javed Sayed from CityLink Logistics, who strongly believes that the road transport industry badly needs to be recognized as an industry. Let's find out why. और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज हमारे गवर्नमेंट को हमारे लॉजिस्टिक को आज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री नहीं दिया गया है। मतलब ये कि इंडस्ट्री का स्टेटस अगर नहीं देते हैं ना, उसको स्टेटस देने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आज अगर इंडस्ट्री ले इंडस्ट्री लेवल पे देते हो तो इसमें क्या आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी आता है। राइट, एज ए स्टार्टअप एंड जैसे ये आपको जो है ना यहाँ पे इसको जो है जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट्स जब आएगा ना तो ऑटोमेटिकली तो स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, स्टेटस ऑफ द ड्राइवर्स, ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता है। आप सेकेंडली जो है ना सबसे बड़ा इसमें यह है कि जो CSR फंड आता है, CSR फंड आप कहाँ यूज करो। अगर हमारी इंडस्ट्री का स्टेटस रहेगा तो एक गवर्नमेंट का एक रूल है कि उसमें 2% जो है ना आप CSR फंड जो है करेंगे। अगर वो हम CSR फंड हमारे ड्राइवर्स के, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो है ना लोगों को एजुकेट करना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एजुकेट करना। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। प्रॉब्लम्स तो होनी ही है ना, फिर दिक्कतें वहीं आएंगी। आज ड्राइवर्स सबसे बड़ा आज चैलेंजेस है हमारे ड्राइवर्स का। लेकिन जानते ड्राइवर्स शॉर्टेज क्यों है, फर्स्ट उसका वो रूट कॉज क्या है? सबसे बड़ा रूट कॉज ड्राइवर्स का ऐसा है कि यहाँ पे आज हमारे ड्राइवर्स, कोई भी ड्राइवर्स अब अपने बच्चे को ड्राइवर्स
इस फील्ड में ड्राइवर लाना नहीं चाहता। करेक्ट। अब अगर कोई ड्राइवर्स आना नहीं चाहेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पुराने ड्राइवर्स हैं उनका एजिंग होते जा रहा है, तो वो रिटायरमेंट होंगे, न्यू जल्दी आएंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स का प्रॉब्लम होगा। मेन कारण ये है कि हम ड्राइवर की अच्छी सैलरी है ऐसा नो डाउट सब कुछ है, लेकिन उनका वर्किंग कंडीशन बराबर नहीं है। लॉन्ग आवर्स उनको वर्किंग करना है, उनको एक सबसे जो सम्मान के नज़र से देखना जाना चाहिए जो आज ड्राइवर का है वो सम्मान की नज़र से हम लोग देखते नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम से आज उनको स्टेटस नहीं मिलता है। लॉन्ग आवर्स उनका वर्किंग है, उनको फैमिली के से अपने से दूर रहते हैं। हमारे यहाँ जो है ना ये हब एंड स्पोक्स मॉडल नहीं है। हमारे यहाँ देखेंगे तो आपको रात को ही कमर्शियल गाड़ियाँ व्हीकल्स जो सबसे बड़ा इशू है वो रात को ही गाड़ियाँ चलती हैं, दिन में तो मोस्टली हर सिटी में नो एंट्री लगा रखा है। क्या करेंगे ड्राइवर, खड़े कहाँ रहेंगे, नो पार्किंग है ना, पार्किंग फैसिलिटीज़ है, रेस्ट की फैसिलिटी ना, रेस्ट की फैसिलिटी ना, खाने का है, क्या करेंगे मुझे बताइए ना। आज वो भी इंसान है, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग, नॉट ए जस्ट लाइक ए एनिमल। लेकिन जो अभी मोदी जी ने रिसेंटली कहा कि हम 1000 रेस्ट हाउसेस खोलेंगे, डू यू थिंक दैट विल हैपन, बिकॉज इंडस्ट्री इज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। सर जब तक इसको इंडस्ट्री को अपने लॉजिस्टिक को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देंगे और लोगों का सोचने का तरीका नहीं चेंज होगा, ड्राइवर्स का जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, इनको एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होना जाना है। आपके कंपनी में ड्राइवर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? अब हमारे यहाँ जो है ड्राइवर्स को हम मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। हमारे यहाँ जहाँ रहने के लिए हमारे आते जहाँ पे है गैरेज है वहाँ पे हमने स्टे की फैसिलिटी रखा हुआ है। कुछ भी होता है तो अगर हमारे से, अभी मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ और बहुत बड़ा ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे ड्राइवरों के लिए जो भी अगर उनको कुछ भी लगता है, मीन्स उनके घर पर होता है, कुछ भी होता है, मैंने काफ़ी लोगों को सजेशंस भी दिया है कि अभी जैसे इनका इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इनका एजुकेशन का अगर हम चालू करते हैं, इनके सैलरी से हम डिडक्ट करके, मैंने अभी महिंद्रा को जो है ना मैनेजमेंट को ये रिकमेंड किया है कि तुम आपको इसको जो है ना जो मेडिक्लेम चालू करो ड्राइवरों को, कि जैसे महिंद्रा में जो काम करेगा तुम, अब जो भी महिंद्रा गाड़ी लेता है उससे तुम जो भी प्रीमियम है तुम उससे चार्ज करो मांगता है, इसमें तुम्हारा बिजनेस भी तुम्हारे पास रहेगा, इंश्योरेंस का तुम्हारे पास में ऑलरेडी महिंद्रा का इंश्योरेंस है, तुम उसमें इंटीग्रेटेड करो और उसमें 50% जो जिस गाड़ी ओनर्स है उसको उससे लो और 50% अपना, तो ताकि क्या ड्राइवर्स महिंद्रा की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, उससे महिंद्रा को बेनिफिट्स ज़्यादा होगा। करेक्ट। जब तक ड्राइवर्स का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। आज प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, आज हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। राइट। उसका मेन रीज़न ये है कि टर्नआउट टाइम। एक्चुअली आज आप एक छोटी सी कंट्री, आप साउथ अफ्रीकन जैसी कंट्री में आप देखेंगे तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर पर डे का जो है ना ये मूवमेंट है गाड़ी का, राउंड कवरेज है। हमारे यहाँ पे आज भी एवरेज इज अबाउट 300 मैक्स टू मैक्स 250 and 300। हाँ करेक्ट। 300 पकड़ मतलब 7000 एक एवरेज, 7000 अ मंथ एवरेज रनिंग पकड़ के चलते हैं फॉर रेगुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सप्रेस। सर मेरा आप अभी पूरा लॉग बुक उठा के आप निकाल के चेक कर लीजिए, आप पूरा चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिलेगा तो मैक्स टू मैक्स मेरे लगता है 3500-4000 पर मंथ गाड़ी चलती है। आप निकाल के मैं आपको प्रैक्टिकली मेरे पास में सब डेटा है, एनालिसिस करता हूँ। बट वेर आर द डिलेज, मेन डिलेज कहाँ पर? डिलेज अभी अब नो एंट्रीज आप दिन में आ जाएगा। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना शिपिंग लाइन्स का, यहाँ पे जब मैं पोर्ट रिलेटेड हूँ तो मुझे पता है कि ये सबसे शिपिंग लाइनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिपिंग लाइनों का है कि जो है ना ये, मैं भी आपको सारे डॉक्यूमेंटरी प्रूफ दे देता हूँ, गवर्नमेंट्स को मैंने CCI मतलब कंपटीशन कमीशन तक, मैंने CBC बोर्ड तक मैंने इसको लेके गया, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं है कि आपके साथ में अगर कोई गलत हो रहा है तो हम उसको कहाँ जाऊँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज एक एम्प्टी कंटेनर्स में आपको 8-8 से 15-15 घंटे तक आपको खाली लग रहा है, जो 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का काम है,
जिसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं ना इन अब आज के एआई के टाइम में, आज का एरा है जो मतलब सबसे डेवलप बोलेंगे तो एआई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइमिंग है। और आज भी आप यार्ड में जाएंगे तो आपको मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी सारे मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको भेज दूँगा, मैं आपको उसको ये करिए उसमें क्लियरली ना ये आ रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इन आउट टाइम का ये रिकॉर्ड्स नहीं है, ड्राइवर्स के लिए मतलब रेस्ट क्या बोलते हैं टॉयलेट बाथरूम नहीं है, चाहे कैंटीन पीने का नहीं, आठ आठ दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह घंटा गाड़ी अगर यार्ड्स में है। प्रोसेस क्या है इनका? प्रोसेस ऐसा है कि जैसे अभी आप ये समझेंगे कि आज हम जो शिपिंग लाइन के जो है ना कोई कंटेंट्स लेके आते हैं, अभी इन्होंने हमने एक एग्रीमेंट्स कर लिया कि मैं आपको ये एग्रीमेंट्स मैं आपको आपको यहाँ तक ये मटेरियल आपको पहुँचा के दूंगा, आपने एग्रीमेंट हो गया ओ बी एल और उसमें लिखा गया कि प्रीपेड, ये हमारे चार्जेस प्रीपेड है बराबर है। प्रीपेड होने के बावजूद पर कंटेनर एक 15,000 से 20,000 से 25,000 पर ट्यूज आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेटर में फिगर नहीं आएगा, ये सारे चार्जेस जो है ना आर्बिट्री चार्जेस है, नॉट ए मतलब लीगल चार्जेस, दिस इज द चार्जेस व्हिच आर सपोज नॉट टू बी टेकन। अब आप सोच लीजिए जेएनपीटी आज इंडिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट्स है, पोर्ट्स में से एक है जो 25% ही कवर करती है, 25-30% खाली एग्जिम कंटेनर्स को वो कवर करती है। अब आप समझ लीजिए कि वहाँ उसके बावजूद इंडिया में इतना करने के बाद इसका 3 गुना 4 गुना शिपिंग लाइनें गलत तरीके से पैसे लेती हैं, वो कितना परफॉर्म कितना पैसे अर्निंग करती होंगी आप सोच लीजिए। This money is collected by shipping agents, right? Their agent on the name of destination charges, which is not supposed to be paid as per the BL agreement, as per the contract agreement. This is the private agreements. And this is paid by the transporter. No, this is paid by the consignee. But collected from the transporter or collected from empty offloading. They are taking 2-3 times, just like a Lolo charges, empty offloading charges. Once every charges are prepaid, then how you can collect all these charges? Correct. And they are collecting charges from transporter. Empty offloading ka charges collect ho raha hai. Wo third party ke through collect ho raha hai. Third party ke dwara collect kiya ho ja raha hai. एंड एक और जो मुद्दा इसमें ये भी था कि ट्रांसपोर्टर ने तो आज पेमेंट कर दिया, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट आता है क्लाइंट से आफ्टर मे बी 60 डेज 90 डेज, कैपिटल ब्लॉक। यस कैपिटल ब्लॉक, और ये कैपिटल ब्लॉक का इशू ये तो ठीक है, ये हमारे ट्रांसपोर्टर का इशू है। वैसे मैंने इस इशूज को काफ़ी प्लान किया और इसके ऊपर मैं PIL फाइल करूँगा, रिट पिटीशन मैं खुद मेरे नाम से मैंने अभी तक नहीं किया था, एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम कंप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके लिए मैंने खुद जो है ना कंसाइनी बना हुआ, मैंने मेरे नाम से इंपोर्ट किया है 5 कंटेनर, वो 5 कंटेनर्स मैंने ऑलरेडी जो है ना उसका मेल डाल दिया है, शिपिंग लाइन को डाल दिया है कि मेरे सारे चार्जेस आप रिफंड करो, मैंने अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने मेरा डिलीवरी ऑर्डर होल्ड करके रखा था, जबकि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, हमने अंडर प्रोटेस्ट वो सारे चार्जेस भरने के बाद माल लेने के बाद अभी उनसे मैंने ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये सारे चार्जेस मुझे रिफंड करो, अदरवाइज मैं लीगल रिस्क आपको अभी मैं विद इन दिस वीक आई एम गोइंग टू फाइल द लीगल कंप्लेंट। चलिए आपकी कंपनी कब शुरू हुई? पहले तो ये बताइए आप फर्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में कैसे आए? भागने का क्या है, देखिए कुछ हालात ऐसे बन गए कि जिससे मैं हम लोग को इसी हम मुझे खासकर मुझे इधर आना पड़ा, इस लाइन में आना पड़ा, और मैं इस लाइन को हमारे लॉजिस्टिक का एल भी मुझे नहीं पता था, ट्रांसपोर्ट का टी हमारे पूरी फैमिली में किसी को पता नहीं था,
हम यहाँ पे आए थे एडमिशन, हम 1989 में आए, जून में मैं यहाँ पे आया हूँ इंडिया रे बॉम्बे में, और हमारे अंकल के साथ में मैं हमारे एडमिशन के लिए मैं मेडिसिन पढ़ने, हमारे फादर डॉक्टर थे और मैं भी डॉक्टर्स में ही इनसे इंटरेस्टेड था। तो हमारे मामू थे जो हमारे अंकल थे वो बहुत ही मतलब वो इन्फ्लुएंसिव थे, और उनके जो फैमिली में थे, उनके जो ससुराल में थे, उनके काफ़ी अच्छे मतलब प्रिंसिपल और ये अच्छे लेवल पे थे। तो मैं बोला वहाँ से हमको रिकमेंड करके मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मैं उस लालच में गया हुआ था। जब हमारे अंकल के पास में गया तो अंकल बोले तुम यहाँ बॉम्बे में तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आप एक काम करो आप गाँव में जाओ, यहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते हो। तो वो ये जो वर्डिंग था वो मेरे बहुत ही बड़ा हर्ट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैं बोला यार ऐसा क्या बात है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ। तो हमारे दूसरे एक अंकल के साथ में गया था, तो मैं अंकल बोला मतलब चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं ये बोल के निकला। और उसके बाद मैंने चालू किया कि मुझे रहना है तो इसी मुझे यहाँ पर बॉम्बे में पढ़ के ही दिखाना है, इंटरेस्ट था। मैं बहुत जिद्दी टाइप का आदमी था और मतलब क्या मेरी फैमिली में यह था कि बहुत सिंसियर और जिद्दी भी बहुत था। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं बोला नहीं मुझे पढ़ना भी है, कैसे भी करके मुझे पढ़ना है। हमने डायरेक्ट जाके मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बीकॉम का एडमिशन लिया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एजुकेशन, और उसके बाद क्लासेस अटेंड करते रहा। और अंकल हमारे एक सिद्धनाथ ट्रांसपोर्ट था जिसमें वो अकाउंट्स मैनेजर थे हमारे अंकल। तो मैं उनको बोला यार अभी हम लोग मैं भी फ्री हूँ, ऐसा थोड़ा है शाम के 10 के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ तो अपन ट्रांसपोर्ट चालू करते हैं। अच्छा, तो हमारे अंकल थे उसमें तो अकाउंट्स थे तो सब देखते। तो हमारे अंकल ने हमने चालू किया एज ए यूनिक ट्रांसपोर्ट करके। तो दो गाड़ियाँ थी हमारे पास में, CII 9784 और 8696 करके मेरे पास में दो गाड़ियाँ थी। वो हमारे अंकल के पास थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, जस्ट मैं तो बॉम्बे गांव से इधर आया हुआ था तो अपने पास में कुछ था भी नहीं, बहुत ही हार्ड टाइम हम लोगों ने देखा है। तो हमने वो चालू किया तो हमारा पहला काम था यहाँ से देवास इंदौर का हम लोग काम करते थे। अच्छा, यहाँ से हम लोग देवास इंदौर का काम करते थे, बॉडी गाड़ी का काम करता था। तो मैं खुद आना जाना गाड़ियों के साथ में मैंने ये किया, क्लीनरी भी किया, ड्राइवरी भी किया। अच्छा। लोडिंग अनलोडिंग भी किया सब कुछ, मतलब ईच एंड एवरी फील्ड आई हैव टच माय ओन सेल्फ, मतलब जो भी डेवलप किया मैंने सेल्फ डेवलप किया। हमारे अंकल को मैंने चेयर से उठने नहीं दिया हूँ जबकि मुझे बॉम्बे का कुछ भी पता नहीं था, मैं ही मार्केटिंग करता था, मैं ही ऑपरेशन संभालता था, छोटा मोटा काम था, 2-3-4 गाड़ी, मतलब ये था कि थैंक गॉड ऊपर वाला कि घर चलता था, अच्छा था। करते करते अच्छा डेवलप किया, सब कुछ किया मैं इंदौर, मेरा मंडीदेव में भी ऑफिस थी, मैंने भोपाल में भी ऑफिस थी, मतलब हाँ देवास में भी था, इंदौर में भी था, उज्जैन रतलाम ये सब काफ़ी घुमा हुआ है, धर्मपुरी पीतमपुर ये सब जो है ना मेरा पर्सनली घुमा हुआ है, एमपी बेल्ट पूरा कवर, पूरा पूरा कवर किया हुआ है, अंकलेश्वर यहाँ पे, यहाँ से पानोली अंकलेश्वर। तो काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल जो है ना ये था, मेरे को इंटरेस्ट था सब काम करने का। मैंने पढ़ाई भी किया यहाँ से, मैंने ग्रेजुएशन किया, 3-4 बार फेल होने के बाद भी जो है ना एटीकेटी लगने के बाद काफ़ी एटीकेटी क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता था और इंटरेस्ट था और मन में जोश था कि करना ही है कुछ करना है। तो हमने मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो है ना ये सब किया, मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर बोला ने आगे भी कुछ पढ़ना है कुछ करना है, तो एक साथ साथ में हमने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया। उसके बाद फिर डिप्लोमा मैनेजमेंट करने के बाद जो है ना हमने क्या नहीं अभी आप कुछ भी कर, मतलब शौक ही था कि जैसे सर्कल मिलता गया और करते गए लोगों का ये था नहीं। तो मैंने MBA किया महाराज कामराज यूनिवर्सिटी अम्बेडकर कॉलेज यहाँ से ओडाला से, फिर वहाँ से लगा, फिर ये हमने ये डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट बेलिंगकर कॉलेज से किया हुआ था। फर्स्ट बैच हमने वहाँ से स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है ना
हमारे अंकल के साथ में करते गए तो सिंस 2004 कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमको लगा कि मैं इसमें पार्टनर हूँ, सिटी ले आ रहे हैं यूनिक ट्रांसपोर्ट में। हमारे अंकल बोले बोले एज ए वर्कर यू काम करते हो, जो सैलरी चाहिए वो सैलरी दो। तो मुझे बोला मैं सैलरी पे मुझे काम नहीं करना है, ठीक है आप अपना काम कीजिए, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और मेरा जो है मैं जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं ना मैं उनके पास जाऊँगा, ये मेरा वर्डिंग था। बोला आप अपना काम करो, मैं उसमें मैं मुझे नया ही डेवलप करूँगा, ये नया ही काम करूँगा। तो मेरा एंगर ब्रदर जुबेर जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट, जिसने मुझे काफ़ी इनकरेज किया, काफ़ी ये दिया, बोला भाई तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखेंगे क्या होगा। हमने उसमें 2004 में मैंने ये सिटी ट्रांसलिंक और सिटी ट्रांसलिंक चालू किया, सिटी लिंक सिटी लॉजिस्टिक्स। लेकिन कुछ टाइम बाद हमने उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करके हमने एक ही कंपनी सिटी लिंक लॉजिस्टिक्स करके कंटिन्यू किया। और उसी में भी थैंक गॉड बहुत बुरे हालत देखे हैं, बहुत तकलीफें देखी है, बहुत कुछ किया है। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, लाइफ की हर एक एक पल मोमेंट को एंजॉय करो। कब क्या घड़ी, कब धड़कन बंद हो जावे, कब सांस बंद हो जावे, उसका कोई ये नहीं है। और लाइफ में आप कितना भी कमा लो, खाना दो ही रोटी है। We will continue our interaction with Javed after this very short break. You are watching Mahindra Truck and Bus presents Rising Star, a Trans India exclusive. Mahindra ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है, एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे। मैम ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो, महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Mahindra Truck and Bus presents Rising Star, a Trans India exclusive. We are in conversation today with Javed Sayed from City Link Logistics. आज हमारे ड्राइवर को हमारे मिस्त्री लोग को पता भी नहीं होगा जो मैंने किया है। मुझे आज गाड़ी की आवाज़ देख के मैं गाड़ी को बता दूंगा गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्या है, जबकि मैंने कोई मतलब ये नहीं किया है, कोई कोर्स नहीं किया, कोई एजुकेशन नहीं किया है। मैंने बहुत कुछ जो है ना सीखा है प्रैक्टिकली, ग्राउंड्स में इंटरेस्ट भी था, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी हमारे सर्कल में लोग हमें एडमायर करते हैं, लोग ये करते हैं, अरे अरे इसको मत बोलो, ये कुछ भी रहेगा तो ये कुछ ना कुछ निकल। और आज भी है, थैंक गॉड इतना कैपेबिलिटी है कि अगर गाड़ी हमारी कोई भी कैसी भी गाड़ी हो, सर्टेन टाइम में कुछ ना कुछ करके मैं गाड़ी जगह पे तो लेके आ जाऊंगा। मतलब ये उसी हाल में कैसे भी करके उस चीज को कन्वर्ट करके, चेंज करके, जो भी है, इतना लॉजिक मालिक ने दिया है। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारा सर्कल भी बहुत अच्छे लोगों से मिला। चलिए, आपकी कंपनी में आज के डेट में क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं? अभी हमारे कंपनी में सबसे पहले तो कस्टम क्लियरेंस का जो है ना, हमने क्या किया कि लोगों ये देख के, लोगों का एक चैलेंजिंग वर्क करके, सबसे पहले हमने हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्ट का ही था। मुझे एक ऐसा समय आया कि हमारे एक दिनेश गुप्ता जी थे और संजय मेहता जी थे। दिनेश गुप्ता जी ने मुझे चांस दिया मतलब इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस सेंडनेस के लिए। ओके, चांस कैसे दिया? मुझे इंटरेस्ट था, मैं जानता था, सारा सब कुछ करता था, लेकिन रिस्क कोई भी पार्टी आप पहले हमारे ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती ना। और हमारे कस्टम क्लियरेंस और ये सब चीज़ों में भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने क्या, उनके कुछ ये
कुछ इनका दिवाली का टाइम था तो कुछ आर्टिकल्स उनके जो है ना ग्लास प्रगति ग्लास करके था, तो उन्होंने ना ग्लास के सारे टम्बलर्स और ये सब मंगाए हुए थे बाहर से, उसको यहाँ पे गिफ्ट आइटम करके सेल करने के लिए 10 कंटेनर उन्होंने मंगाया था। तो उन्होंने बुलाया, अरे मैं उनके ऑफिस में ही था मेरे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोला ये कुछ इम्पोर्ट का कंसाइनमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कोई अच्छा CHA देख के किसी को दे दो। तो मेरे मुँह से निकल गया, सर किसी को दे, मैं करता हूँ ना। और उस वक्त आपका कुछ था नहीं? कुछ नथिंग था मैंने वो, तो उन्होंने दिनेश गुप्ता जी ने बोला, बोला अगर तू करता है करेगा, बोला यस सर, बोला ठीक है, मैडम को बोला, बोला डॉक्यूमेंट इसको दे दो। वो कॉन्फिडेंस मुझे जो है ना बहुत ही, मतलब वो आज सच में वो मुझे बोल रहा था, उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने जो दिखाया वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। ये अपॉर्चुनिटी किसी को देना सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, उसके बाद तो आदमी कुछ ना कुछ कर ही लेता है, जब बन जाता है तो हर कोई तुमको सपोर्ट करता है, जब नहीं रहता है ना और उस टाइम सपोर्ट करना, दैट इज़ एक्सट्रीमली बहुत बड़ा ये था। उन्होंने किया और हमने उसको एक ये जो है क्या नाम है इसका, हमने भी स्टार्ट किया, हमने भी बोला बोला ठीक है चलो मैं करके बताता हूँ। हमने नॉलेज था, मैंने लोगों के साथ काम किया था, लोगों के उठना बैठना, मैं कस्टम में काम में आता भी जाता था, मतलब लोगों का काम भी करवाता था, तो मुझे नॉलेज था कैसे करना क्या नहीं करना, इतना था हैबिट था और मुझे रिस्क लेने की एबिलिटी थी कि मैं कोई भी चीज़ चैलेंजिंग करके मैं एक्सेप्ट करता था। मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैंने दूसरे को लड़के को अपने इधर हायर किया, जस्ट खाली दिस प्रोजेक्ट, और मैंने उसको काम को पूरा किया, उसमें मेरा अच्छा खासा तो नुकसान भी हुआ। मैंने उनको चार्जेस नहीं लगाए ज़्यादा है, वेरी कम, बहुत कम चार्जेस में लगा के उनका काम करके दिया, जो कि मुझे एक मैंने समझा कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैंने उस इन्वेस्टमेंट को पूरा किया। एक तो आपका CHA हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग है मेरा, वेयर हाउसिंग है, हम जो पूरा करते हैं वेयर हाउसिंग की, और अभी मेरा जो ये प्लान है आगे चल के कि मैं वेयर हाउसिंग को थोड़ा सा और भी एक्सपैंड करूं, और पैन इंडिया जो है ना हमारा जो है ना ये इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हुआ है उससे कितना हेल्प हुआ है आपके इस जर्नी में? हमारी इस जर्नी में टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है, बहुत ही अच्छा हेल्प कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे ने अभी आपको बोला कि एम्प्टी कंटेनर्स में आज AI का टाइम है, तुम इन आई ना आउट टाइम आप क्यों ये इतना आज टाइम वेस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा टाइमिंग वेस्ट है, हमको पास में डेटा नहीं मिल पाता है कि हम डेटा में कर क्या रहे हैं, कहाँ वेयर आर वी लैकिंग, हमारे यहाँ कहाँ मुझे जो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, वो सब चीज़ आज हम नहीं कर पा रहे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वही। तो आज टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन हमको उसको टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है। आज आप देखेंगे आप यहाँ पे जितने भी हवलदार हैं, हवलदार का काम क्या होता है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना, लेकिन आप देखेंगे 90% हवलदार्स को वो टेकिंग पिक्चर्स एंड अपलोड ई चालान, दे आर मेकिंग दे आर फुलफिलिंग देयर टारगेट आर टारगेट एब्सोल्युटली राइट, दिस इज फाइन इज नॉट ए रेवेन्यू, द मेन ऑब्जेक्टिव इज डिफीटेड इन दिस क्लॉज, बिकॉज द पेनल्टी इज फॉर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई द पेनल्टी इज एप्लीकेबल। करेक्ट करेक्ट। अब सेफ्टी हैम्पर कर रहे हो वो अलग, सेफ्टी हैम्पर कर रहे हो अलग, और उसके बाद क्या होता है कि आपने जैसे पेनल्टी आपने मार दिया, पेनल्टी भरता कौन है, ओनर, गलती करता कौन है, ड्राइवर, गलती करता कौन है, ड्राइवर। अब ड्राइवर गलती कर रहा है, पैसा भर रहा है ओनर, तो जो पेनल्टी का क्लॉज है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो डिफीट हो रहा है। करेक्ट, ड्राइवर टेक्स इट वेरी लाइटली, वेरी लाइटली जो है ना वो डिफीट होता है। ड्राइवर तो वही करेगा, ड्राइवर को क्या करना है, क्योंकि आज ड्राइवर का डिमांड है सर्विस, उनको ड्राइवर हमको मिल नहीं रहा, हमारी मजबूरी है, जो बोलेगा उनको मानना पड़ रहेगा। बिल्कुल,
आज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा इंडिया में आज सबसे, आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जा रहे, ये जॉब क्रिएशन कर रही है आज, इसके ऊपर इतने लोग डिपेंड हैं। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। वो रिकॉग्निशन मिला ही नहीं, रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। आज बैकबोन है, आज लॉजिस्टिक एनी ग्रो, एनी कंट्रीज ग्रोथ is depend on your logistic. Absolutely. If your logistic is not properly, that's why your logistic cost is very high. Right. चलिए, आप महिंद्रा के ट्रक्स फर्स्ट बैच से यूज करते आ रहे हो, how is your experience been? सर मैंने ये 21st में, हमने कुछ हमारे दो तीन जन थे जो हमने फर्स्ट डिसाइड किया कि अभी टाटा और लेलैंड तो बहुत हुआ, पहले हम लोग हार्ड कोर का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे। Correct. तो कुछ इसके टेक्नोलॉजीज और ये सब जो है ना, हमारे एक अमित ट्रांसपोर्ट करके है, उन्होंने लिया हुआ था, उनके पास में गाड़ियाँ दी, तो हम लोग ने उनसे रिकमेंड पूछा, चेक किया कि कैसा क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं गाड़ियाँ ठीक है, सब कुछ है, यही रीसेल का वैल्यू का प्रॉब्लम है ये सब का, बोला ठीक है। हम लोगों ने एक रिस्क लिया और एक ग्रुप बना के 40 गाड़ी का हम लोग ने ये लिया। अब वो 40 गाड़ी में हम लोग 5-6 जन थे, 6-7 जन जो मिल के जो हम लोगों ने लिया हुआ था, उस 6 जन में मैं पहला एक कस्टमर हूँ जो, उसके बाद मैंने दूसरा मेक की गाड़ी नहीं लिया, क्योंकि मुझे, मैंने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। हमारे ड्राइवरों से मैंने फीडबैक लिया, उनको कंफर्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, तो माइलेज भी ठीक है, और इनका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, इंटेंगल करके जो है ना, इनका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है जो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि हमारे ड्राइवर कैसा चला रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, उसका वो रिपोर्ट इंटेंगल जो है ना, वो इंडस्ट्री में वैसा किसी के पास में नहीं है। इवन भारत बेंज मैन, आई थिंक नो वन इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस इंटीग्रेटेड का। तो उससे मैं पॉइंट टू पॉइंट मुझे माइलेज मालूम पड़ता है, गाड़ी ड्राइवर का बिहेवियर कैसा चला रहा है, मतलब किस सेगमेंट ड्राइवर बराबर है कि नहीं बराबर, मुझे मालूम पड़ता है। एक ही इसमें तो, उसके बाद मैंने दूसरी कोई गाड़ी नहीं लिया। ओके मुझे महिंद्रा का जो है ना सपोर्ट, मैनेजमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है, आई डोंट नो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, शायद वो किसी को सपोर्ट करते, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट मैंने हर इसके मैनेजमेंट से, हर इनके आदमी से, ठीक है इनके इंजीनियर्स थोड़े से लैक ऑफ ये है, तो उनको भी अगर थोड़ा सा ट्रेन किया जाए तो बहुत अच्छा है, इसका गाड़ी बहुत अच्छी है, थोड़े बहुत अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा होगा। चलिए, आपका फ्यूचर प्लान अभी यहाँ से क्या है, यहाँ तक तो पहुँच गए आप, व्हाट नेक्स्ट? मेरा फ्यूचर प्लान ऐसा है कि देखिए, हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, ये मेरा इंटरनल, मतलब भले मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं समाज को चेंज कर सकूँ या कुछ भी नहीं कर सकूँ, लेकिन मेरा थिंकिंग ऐसा है कि अगर हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है काम करके, तो उस काम का करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा तो हर कोई है, देखिए मैं मेरे जनरेशन में बॉम्बे में आया, मेरे पास में मैं 10 रुपया रहता था, वो 10 दिन 1 महीना चलाता था, 2 महीना चलाता था, दूसरे को ज़रूरत था मैं दे देता था, मैं खुद भूखा रहता था, लेकिन मैंने वो फेस किया और मैंने हार्डशिप बहुत देखा है। आज भी थैंक गॉड बहुत ही सिंपल हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं है, बहुत ही लोवेस्ट एक्सपेंसेस में मैं अपने आप को जी सकता हूँ, और मैंने लाइफ को इंजॉय किया और कर रहा हूँ और करते रहूँगा ऊपर वाला अगर देगा तो। ये क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ पर जैसे ये हब एंड स्पोक्स मॉडल नहीं है। मैंने देखा कि आज गाड़ियों में मेंटेनेंस ज़्यादा क्यों आता है, मैंने देखा ये गाड़ियों में ये जो टर्न आउट टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, लोग नोटिस नहीं करते हैं, लोग ये नहीं देखते, लेकिन मैं थोड़ा सा ये इसके ऊपर काफ़ी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट्स के मिनिस्ट्री में भी काम करूँ, मैं उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो भी मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैं उनके साथ शेयर करके अगर वो गवर्नमेंट कुछ भी अपने देश के लिए अगर थोड़ा बहुत भी किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, मैं उस बेसिस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि हमारा एक मेरा प्रेजेंशन पैन इंडिया होना चाहिए, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि फ़ंड का थोड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ़ंड का ही है। अब मैंने कभी अकाउंट्स में बहुत वीक हूं,
दैट्स वाई जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज बहुत है, थैंक गॉड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, सब कुछ है, लेकिन अकाउंटिंग की वजह से जो है ना मैंने फाइनेंशियल जो है ना जो स्ट्रक्चर्स मुझे करना चाहिए मैंने नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं आज भी काफ़ी अच्छे लेवल पे होता था। ठीक है, जो गलतियाँ हुई है उसको ये देख के अभी मैं फाइनेंशियल देख रहा हूँ कि वो जो मुझे सपोर्ट कैसे मिलता है और कैसे ये होता है, उसके लिए मैं आगे काम करूँगा। That, friends, was our rising star, Javed Sayed, in the Rising Star series presented by Mahindra Truck and Bus. The logistics industry is surely a tough terrain, but for those who don't shy away from hard work, this can be a box of treasures. We hope Javed succeeds in his plans to improve the working conditions of the industry. We will be back with you next week with another interesting journey. You have been watching Mahindra Truck and Bus Presents Rising Star, a Trans India exclusive. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.